नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश, आप देख रहे हैं क्रिक मास्टर। दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में बारिश के चलते लगातार मैच रद्द हो रहे हैं। गुरुवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया और इसके बाद वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों को लेकर अब हर तरफ सवाल उठने लगे हैं। भारत का अगला मैच 16 जून को पाकिस्तान के साथ है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच चढ़ जाएगा बारिश की भेंट। बता दें कि भारत पाकिस्तान मैच में सबसे पहले क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि रविवार को मैनचेस्टर में बारिश होने की आशंका है। एक्यू वेदर की माने तो रविवार को मैनचेस्टर में बारिश के 50% आसार है। मैनचेस्टर में सुबह से लेकर शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, मतलब मैच शुरू तो होगा लेकिन बीच बीच में उसे रोकना भी पड़ेगा। मैनचेस्टर में एक्यू वेदर के मुताबिक 16 जून को दिन भर बादल छाए रहेंगे। सुबह 9 बजे, 11 बजे और दिन में 3 बजे बारिश की आशंका है। अगर इस अनुमान की माने तो मैच शुरू होने में थोड़ी देर होगी और फिर बीच बीच में बारिश मैच में अड़ंगा डालेगी। बुरी खबर ये भी है कि जून में अब तक इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बारिश मैनचेस्टर शहर में हुई है। वर्ल्ड कप इतिहास में ये पहला मौका है जब बारिश की वजह से इतने मैच रद्द हुए हैं। कभी इतने मैच बारिश की वजह से नहीं धुले हैं। अभी तो और मुकाबले खेलने बाकी है। अगर ऐसा ही हो रहा तो लगभग आधे मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाएंगे और इंग्लैंड में खेले जा रहे इस वर्ल्ड कप में 7 जून को पहला मैच रद्द हुआ था। ये मैच ब्रिस्टल में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाना था और सोमवार को साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच हुए मैच में भी केवल 7.3 ओवर का ही खेल हो पाया था। बारिश के खलल के कारण एम्पायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।